नमस्कार मित्रों, मैं दीपक एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद दीपक सर। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक समय से पहुँच जाएँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारे वीडियो आप तक समय से जरूर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ यूपी कांस्टेबल की भर्ती के लिए। जो निर्णय आज आना था तो बोर्ड ने इसे पूरी तरह से इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो है 15 अगस्त से पहले हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि हमें ये जो भर्ती है वो कब, कहां और कैसे करानी है, क्या प्रक्रिया होगी इस भर्ती की। तो आइए जानते हैं, थोड़ा बदलाव हुआ है इस बार, परीक्षा कैसे होनी है, फिजिकल कैसे होना है, मेडिकल कैसे होना है, तो थोड़ा बदलाव हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या बदलाव हुआ है, कैसे बदलाव हुआ है और क्यों बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार फिजिकल में थोड़ा सा बदलाव होना एकदम तय है। इस बात की पुष्टि अभी बोर्ड ने बिल्कुल नहीं की है कि क्या बदलाव करेगी, लेकिन ये समझ लीजिए कि रेस कुछ कम होगी या समय को थोड़ा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है पूरी तरह से रेस कंप्लीट करने में सक्षम नहीं रहते हैं और भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, प्लीज़ आप अपने फिजिकल को अच्छे से तैयार कीजिए, अपने रिटर्न को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि रिटर्न में अगर आप थोड़ा बहुत कमज़ोर हैं तो उसकी भरपाई फिजिकल से करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फिजिकल में थोड़ा कमज़ोर हैं तो उसकी भरपाई आप रिटर्न से अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिजिकल में आप 10-5 नंबर कम लाते हैं तो उसे रिटर्न से अच्छी तरीके से उसकी भरपाई कर सकते हैं, लेकिन अगर रिटर्न में आप 10-20 नंबर कम लाते हैं तो उसकी भरपाई फिजिकल से करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आप ये रेस 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करेंगे तो आपको पूरा 100 नंबर मिलेगा, जबकि सामान्यतः लड़के ऐसा करने में सफल नहीं हो पाते हैं और उन्हें पूरा नंबर नहीं मिलता है। तो अगर आप रिटर्न से नंबर बढ़ा के ले जाएंगे तो वहाँ 10-20 नंबर अगर कम भी आते हैं आपके तो उससे आपके मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर आपका रिटर्न भी कमज़ोर है और फिजिकल भी कमज़ोर है तो थोड़ा दिक्कत आने वाली है आपके लिए। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप प्लीज़ रिटर्न की अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिजिकल में 10-20 नंबर कम भी आता है तो उससे आपके मेरिट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप रिटर्न में अच्छा कर जाते हैं तो फिजिकल के 10-20 नंबर आप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आप अच्छे से रेस की तैयारी करेंगे, अच्छे से रिटर्न की तैयारी करेंगे, अच्छे से पेपर देंगे और अच्छे से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की अपडेट के लिए। धन्यवाद।